Subscribe and press the bell icon for latest update. सीलिंग को लेकर दिल्ली में कई दिनों से कारोबारी परेशान है। ऐसे में उनके विरोध में पिछले एक हफ्तों में से आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार ने साथ देने की कोशिश की है। कारोबारियों के दिल्ली बंद के दौरान भी मंत्रियों से लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता ये दिखाने में जुट रहे हैं कि दिल्ली के कारोबारियों के असली हमदर्द वही हैं। हालांकि क्या आम आदमी पार्टी का कारोबारियों के साथ ये हमदर्दी वाला कांधा किसी काम का भी है या फिर सिर्फ एक सियासी कंधा है जिसका इस्तेमाल सियासी फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार सीलिंग के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। आइए सुनते हैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का क्या कहना है इस बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वार्ता है, सीलिंग दिल्ली में हो रही, सीलिंग के विषय में है। और हालांकि सीलिंग के बारे में बड़ा ही साफ स्थिति है, कोई दूर दूर तक तो कंफ्यूजन नहीं है, मगर फिर भी बार बार बीजेपी की तरफ से इसके अंदर संदेह और व्यापारियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि सीलिंग सिर्फ दो कारणों से हो रही है। आज तक की भी जो सीलिंग हुई है, अभी तक जो सीलिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा, वो सिर्फ दो कारणों से हो रही है। एक, कन्वर्जन टैक्स या कन्वर्जन चार्ज ना भरने की वजह से, और दूसरा मास्टर प्लान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो मास्टर प्लान के हिसाब से नहीं हुई है, इसके लिए हो रही है। कन्वर्जन चार्ज की वजह से जो सीलिंग हो रही है उसका उपाय सिर्फ यही है कि कन्वर्जन चार्ज को माफ कर दिया जाए। ये कन्वर्जन चार्ज एमसीडी और डीडीए ही माफ कर सकते हैं, दोनों में ही भाजपा की सरकार है। जहां तक कि मास्टर प्लान को बदलने का काम है वो भी सिर्फ और सिर्फ डीडीए के हाथ में है। डीडीए भी सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंदर है जिसमें भाजपा की सरकार है। तो बार बार बीजेपी की तरफ से कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कि इसके अंदर आम आदमी पार्टी ये कर रही है, दिल्ली सरकार को ये करना चाहिए, जबकि इसके अंदर कोई इसके अंदर दिल्ली सरकार का लेना देना नहीं है। और कल जो एमसीडी का ज्वाइंट हाउस हुआ उसके अंदर भी सारी नौटंकी करने के बाद जो रेजोल्यूशन हुआ उसके अंदर फाइनली ये बात मानी गई कि एमसीडी के तीनों हाउस केंद्र सरकार को ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार डीडीए के द्वारा मास्टर प्लान के अंदर, मास्टर प्लान 2021 के अंदर तब्दीलियां करें। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस मास्टर प्लान के तहत दिल्ली में सीलिंग हो रही है, अगर उसमें एक दशक पहले बदलाव किया जा सकता है तो फिर आज की सरकारें कारोबारियों के कारोबार को सीलिंग की भेंट क्यों चढ़ने दे रही हैं। SPNI न्यूज रूम की रिपोर्ट।